सो हे गाइस नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। अभी और इस वक्त मैं पटना जंक्शन पे हूँ। पटना जंक्शन के सामने महावीर टेम्पल है, उसी टेम्पल के ऊपर से आपको ये फुटेज मिल रही है। तो जैसे कि मैं पटना में हूँ तो आज आप लोगों को कराऊंगा पटना दर्शन। तो सबसे पहले चलते हैं, महावीर जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद पटना एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो साथियों, ये है पटना का महावीर टेम्पल जो कि रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन के सामने ही है। मैंने सोचा कि सवेरे उठ के क्यों ना आज के इस व्लॉग की शुरुआत इसी मंदिर में दर्शन करके की जाए। तो मैंने फटाफट से तैयार होकर इस मंदिर में आ गया और यहाँ से मैंने नैवेद्य लिए। नैवेद्य मैंने एक पाव लिए जो कि 83 रुपये में मुझे पड़े और एक केजी 330 रुपये का था, लेकिन मैंने एक पाव वाला लिया और फिर लाइन में लग गया। इस वक्त लाइन में कुछ ज़्यादा लोग नहीं है। एक दिन पहले मैं आया था तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी क्योंकि शनिवार के दिन बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। और अब मैं अपनी लाइन में लग गया और प्रभु के देखिए दार्शनिक लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैंने भी प्रभु का बहुत ही अच्छे से आशीर्वाद लिया और प्रभु का दर्शन। महावीर मंदिर के ऊपर से ये जंक्शन कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिन में कैसा दिखता है और रात में कैसा दिखता है ये दोनों आपको दिखाता हूँ। देखिए आप लोगों को कैसा लगता है ये हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। साथियों ये दिन का फुटेज है, देखिए दिन में कैसा दिखता है। पटना जंक्शन और रात को कुछ इस प्रकार दिखता है महावीर टेम्पल से पटना जंक्शन। देव पूजा हो गई है और अब पेट पूजा की बारी है। तो पेट पूजा के लिए हम लोग चलते हैं। स्टेशन के बगल में ही एक नाश्ता पॉइंट है जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ का ब्रेकफास्ट देता है। तो चलते हैं और वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ता पॉइंट रेलवे स्टेशन के बगल में ही एक आउटलेट है जहाँ बहुत ही बढ़िया आपको एक ब्रेकफास्ट मिल जाएगा जो कि यह है 50 रुपये में आपको यहाँ भरपूर ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। आपके प्लेट में आपको 5 पूरी, आलू की सब्ज़ी, रायता और दाल वड़ा मिल जाएगा। तो अपने ब्रेकफास्ट के बाद में हम आ चुके हैं अपने सेकेंड लोकेशन इस्कॉन टेम्पल पे। तो चलिए इस टेम्पल के अंदर चलते हैं और आपको इस टेम्पल के दर्शन कराते हैं। पटना की अदालतगंज बुद्धा मार्ग पे उपस्थित यह इस्कॉन टेम्पल पटना आने वाले सैलानियों का एक प्रिय स्पॉट है। यहाँ आने वाले हर एक सैलानी इस जगह को विज़िट ज़रूर करता है। हर इस्कॉन टेम्पल की तरह यह टेम्पल भी बहुत ही बढ़िया से सजाया गया है और पटनावासी इस टेम्पल में आकर के टाइम टाइम पे अपना पूजा अर्चना करते हैं। बहुत ही खूबसूरत, आप किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे उसकी मूर्तियाँ बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बहुत ही कलाकारी से यहाँ के मतलब बिल्डिंग की जो रचनाएं होती हैं बहुत ही अच्छा वर्क किया जाता है इसके वॉल्स के ऊपर। तो वो सारा वर्क आपको पटना के इस मंदिर में भी दिखाई देगा। तो साथियों, हर इस्कॉन टेम्पल की तरह इसे भी बहुत ही बढ़िया उमदा कलाकृतियों से सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। तो यही सब कुछ था यहाँ का इस्कॉन, पटना का इस्कॉन टेम्पल के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम लोग बिहार म्यूजियम की तरफ, देखते हैं कि कौन सा निकटी हमें मिल पाएगा। तो उस लोकेशन पर चलते हैं और उसे भी एक्सप्लोर करते हैं। सो साथियों, निकटी पर्यटक स्थल खोजते हुए हमें पता चला कि इस्कॉन टेम्पल के बगल में ही जस्ट 3 किलोमीटर के अंदर में ही बिहार म्यूज़ियम उपलब्ध है।
तो हम बिहार म्यूजियम की तरफ निकल पड़े। लीजिए हम आ गए बिहार म्यूजियम की ओर। साथियों, जो थर्ड लोकेशन हम विजिट करने वाले थे बिहार म्यूजियम, जो कि इस वक्त मैं उसी के सामने खड़ा हूँ, उसी के बाहर हूँ, लेकिन ये म्यूजियम 10 बजे से खुलता है और मेरी ट्रेन पटना जंक्शन से 1 बजे है पुरी के लिए, तो इसीलिए मैं इसके अंदर विजिट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 10 बजे अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो 11:30 इसी में 12 बज जाएंगे और मैं इसे पूरी तरह से घूम नहीं पाऊँगा। लेकिन आप आते हैं तो इस जगह को विजिट ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा बिहार के बारे में इस जगह पे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से हम लोग गांधी मैदान की तरफ और दिखाते हैं आपको गांधी मैदान में क्या कुछ है, क्योंकि गांधी मैदान इस पटना का एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, जहाँ पे आप आए तो घूमने अवश्य जाएं। सो साथियों, अर्ली मॉर्निंग पहुँचने की वजह से अभी ये म्यूजियम खुला नहीं था, तो इसीलिए हम गांधी मैदान की तरफ मुड़ चले। साथियों, अब हम पटना के फेमस गांधी मैदान में आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, ये पटना के बीचों बीच है और यहाँ पे लोग अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने आते हैं, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेला जो फेयर्स हैं वो लगते रहती हैं, और इस समय यहाँ पे इतनी खास भीड़ नहीं है, लेकिन शाम के समय में यहाँ पे एकदम खचाखच भरा हुआ रहता है। तो आप लोग इस गांधी मैदान का दर्शन कीजिए और इसके बाद हम लोग पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ चलेंगे। सो साथियों, गांधी मैदान पटना का एक लोकप्रिय स्थल है, जहाँ पर हर पटनावासी आकर के अपना समय बिताता है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के खाने के पदार्थ आपको मिल जाएंगे, जस्ट लाइक यहाँ का जो फास्ट फूड्स हैं और जो भी आपको बिहार में खाने के लिए अवेलेबिलिटी है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे शाम के समय स्टॉल्स लग जाते हैं और यहाँ पे बच्चे आकर के अपना गेम एंजॉय करते हैं, कुछ बच्चे खेलते हैं और अपने दिन को बहुत ही बढ़िया से पास करते हैं। अगर आप पटना आते हैं तो यू मस्ट हैव टू विजिट दिस प्लेस। बाकी ये देखिए, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, ये सिटी के बीचों बीच में है। ये देखिए सामने गांधी जी बच्चों के साथ में यहाँ पे खड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए यहाँ ज़रूर आएँ। सो साथियों, अब हमारे ट्रेन का समय हो गया है, इसीलिए हम स्टेशन पर वापस आ गए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।